उनके ऑर्ग से एक बंदे का फोन आता है और वो ये बोलता है गॉडलाइक कि वगैरह, ये इनका स्केल क्या है, ऑपरेशन स्केल क्या है इनका, व्हाट स्केल सर प्लेड इन द? सर मल्टीपल गेम्स में ये लोग रिप्रेजेंट करते हैं और हाँ पार्टिसिपेट करते हैं टूर्नामेंट्स में और कर रहे हैं, सब लोग अपने अपने तरीके से कर रहे हैं, लेकिन मेनली इन लोगों का कंटेंट बीजीएमआई ओरिएंटेड है, लेकिन बाकी गेम्स में भी ये लोग पार्टिसिपेट करते हैं। ओके ओके जैसे सर आईपीएल आईपीएल के टीम्स है ना, उसके हिसाब से इन लोगों के अपने अपने टीम्स हैं। ओके क्या दे ऑल्सो गेट सोल्ड एक्सेट्रा लाइक फ्रेंचाइजीज इन आईपीएल, ऐसा कुछ है नहीं क्या? नहीं वो लोग ऑर्गेनाइजेशन है, बस एक ग्रुप समझ लो सर, एक ग्रुप है, उसको एक ग्रुप है. बंदा चलाता है, एक ओनर है, और बाकी लोगों को सैलरी पे वो हायर करते हैं। जैसे अगर मैं अच्छा कंटेंट क्रिएटर हूँ या अच्छा खेलता हूँ तो वो मुझे अप्रोच करेंगे, बोलेंगे तुम मेरी ऑर्ग में आ जाओ ऑफिशियली, हम तुमको इतनी सैलरी देंगे, तुम हमारे साथ अच्छा, मतलब स्ट्रीम करोगे या तो मींस पार्टिसिपेट दे आर करोगे। बुकिंग गुड अमाउंट ऑफ रेवेन्यू एवरी ईयर और एवरी मंथ, हाँ ऐसा अभी सर कुछ? आई थिंक उन्होंने बहुत मल्टी मतलब करोड़ों की डील हुई उनकी रूटर के साथ में, जहां पे वो स्ट्रीम वगैरह करते हैं, अच्छा. तो उनकी तो ऑर्ग करोड़ से भी करोड़ का निर्भर। स्केल है मतलब. हाँ करोड़ का स्केल तो है डेफिनेटली है सर, मतलब 5-5 लाख रुपए उनके प्लेयर्स की सैलरी है मंथली, तो पैसा है, अच्छा खासा पैसा है, स्पॉन्सर्स भी हैं गॉट उनके मिलते हैं, तो वो सब चीज है। गॉट तो मैं ये बोल रहा था, उनके ऑर्ग के बंदे का फोन आता है मुझे कि मैं गॉडल से ये बोल रहा हूँ और आप वो वीडियो टेक डाउन कर दो। मैंने बोला कि मेरी तो उनके फादर से तो बात हुई है। उन्होंने ये बोला, उन्होंने ये तो नहीं बोला कि आप ये वीडियो टेक डाउन कर दो और हम खुद सबके सामने आकर उनके बिहाफ पे लोगों में अवेयरनेस फैलाएंगे, ऐसा कुछ? नहीं कुछ नहीं, उन्होंने बोला सिर्फ वीडियो टेक डाउन करता हूँ, और उसके बाद मुद्दे का क्या, कार्डिंग के मुद्दे मुद्दे का का कुछ क्या? नहीं। उन्होंने बोला कि उनका था कहना कि बहुत अच्छा बंदा है और आप वीडियो टेक डाउन कर दो, नहीं, उन्होंने कोई बंदा डील अच्छा, नहीं की है बंदा बंदा अच्छा छोड़ दो, जो कार्डिंग का ट्रांजेक्शंस थे कुछ उसके नहीं, बारे में इस बंदे ने क्या बोला कुछ कि हाउ विल दे एड्रेस फिर इट? सर वो अच्छा, सो तो खुद ही। दे वांट टू पुट इट अंडर द कारपेट एंड दे वांट यू यस टू टेक डाउन द वीडियो, मतलब चिट भी यस मेरी पढ़ भी मेरी. हाँ, अच्छा और अच्छा रटा तो हमारे ऊपर गलत लगा गलत 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 सिक्के से खेलना चाहते हैं, शोले चल रही है. ओके हाँ एग्जैक्टली। तो सर वो ओके तो खुद ही अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे थे। मैंने बोला कि उसने बोला कि तूने बोल दिया कि वो पैसों के लिए, ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने आज तक कोई डील नहीं ली, सिर्फ रूटर की डील ली है। तो तो मैंने ऐसा करो, इनको मान ऐसा करो ना, इनको एक लाइव स्ट्रीम में बुला लो, वहीं डिसीजन ले लेते हैं सब साथ में मिलके. वहां एक लॉयर नहीं को भी आएंगे बुला सर, लेता हूं मैं. नहीं आएंगे सर, ये नहीं बिल्कुल नहीं आएंगे। यार, ही कॉल्ड यू ना, दैट इज एनीवेज हैपनिंग राइट. हाँ और लेट्स प्रोबेबली डू इट बिकॉज एवरीबडी लाइक्स सोशल मीडिया एंड यूट्यूब एंड एक्सेट्रा, तो दे आर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स. तो लाइव आओ, यू नो वी कैन एड्रेस दिस, वी कैन हैव अ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम लीगल और वो अपने वो ले आएंगे सारे क्लॉजेस की क्या सही है क्या गलत है, और यू नो वी कैन सॉर्ट इट आउट. उसमें 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 कोई दिक्कत है उनको? मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सर उनका अप्रोच मुझे ठीक नहीं लगा, क्योंकि आज ही उनके जो ऑर्ग के ओनर है उनकी एक वीडियो क्लिप सामने आई है जहां पे वो बोल रहे हैं कि ये बंदा है निगेटिविटी फैला रहा है और उनको उसको पता नहीं है कि उसके पेरेंट्स कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, मेंटली हरेस कर रहे हैं उनको, मतलब टॉपिक ओके वो बात भी नहीं करेंगे सर वो बात। मुझे पता है आप कहोगे तो मैं स्टोरी डाल के उनको बुला लूंगा, बहुत हाँ, रिस्पेक्टफुली मतलब बुला लूंगा। आई वांट यू टू डू दैट, और आई कैन होल्ड इट ऑन माय प्लेटफॉर्म आल्सो इफ दैट इज व्हाट दे वांट टू डू, क्योंकि मुझे लगता है यू नो ये चीजें बड़े आराम से सॉर्ट हो सकती हैं, बिकॉज आई थिंक बिल्कुल एवरीबडी इज देयर ऑन सोशल मीडिया. और आपने जो मुद्दा उठाया वो बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है, तो आई आई गेस इफ दे आर अ बिग कंपनी एंड दे हैव अ स्केल ऑफ करोर्स, तो दे वुड अंडरस्टैंड दैट. मैं मतलब इतना रिस्पॉन्सिबल तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, उनमें से कोई तो होगा यू नो स्पेशली हुज रनिंग द ऑपरेशंस, एग्जैक्टली तो और हुज ओनिंग इट, या जो ब्रांड्स उनको स्पॉन्सर कर रहे हैं, आई थिंक दे वुड नो कि मतलब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड सेंसिटिव इशू. प्लस अगर वो नहीं भी करना चाहते, मान लो कि वो एड्रेस नहीं करना चाहते कार्डिंग का मुद्दा, यू नो दे डोंट वांट टू पर्सनली टेक एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि हम लोग हमें दूर रखो, यू नो अब ये अब तुम्हारा कॉन्टेंट है, तुम्हारा इशू है, तुम इसके साथ रहो, देन दे शुड नॉट स्पीक अबाउट इट. बट अगर वो बात कर रहे हैं उस बारे में, देन दे शुड एक्चुअली टेक द फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कम फॉरवर्ड, राइट? तो अब मुझे एक बात बताओ, अभी आपने कुछ इसके बारे में मतलब डिड यू इज देयर एनी लीगल प्रोसेस व्हिच हैज बीन स्टार्टेड? नॉट फ्रॉम माई साइड येट, एक एक कंप्लेंट मैंने करी है। हुआ वही था कि वो गॉडल वो बंदे का फोन आया, मैंने बोला कि मेरी तो बात हो गई, उसने बोला मैं ऑर्ग की तरफ से फोन कर रहा हूँ,
मैंने बोला कि देखो भाई मैं वीडियो तो टेक डाउन नहीं करूंगा, तुम अगर बताओ मैंने कुछ गलत बोला है तो मैं कर दूंगा। तो बोला गलत नहीं बोला है लेकिन कर दो। मैंने बोला ऐसे तो नहीं करूंगा, तो फिर मैंने काट दिया। मैंने बोला कि अब तो मैंने बोला हुआ था कि वो पार्ट ट्रिम कर दूंगा एफ वर्ड वाला, लेकिन अब उनको बोल देना कि मैं नहीं कर रहा, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट डे मेरे पास मैसेजेस आते हैं उनके फादर, मैं तुझे तुम्हें ढूंढूंगा, तुम जज बन रहे हो, लॉयर बन रहे हो। और फिर व्हाट? उनका मिस कॉल भी होता है। हाँ, वो मुझे अक्यूज कर रहे थे कि तुम खुद से जज बन रहे हो, खुद से लॉयर बन रहे हो, मैं अब तुम छुप नहीं सकते, मेरे को थ्रेट हो गया फैमिली को। और उनका एक मिस्ड कॉल था, तो मैंने कॉल बैक करा तो उन्होंने बोला कि कल मैं मॉल में गया बच्चे के साथ। केस आई वुड प्रपोज इज कि यार एक मुद्दा आपने उठाया, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है डिस्कस करना। तो राइट, उन्होंने मुझे बोला उसको था कि अगर बच्चे अभी वो को ड्रेस आगे कुछ खरीदे। सुनना पड़े। हाँ देखो, मेरी एक रिक्वेस्ट है सबसे, प्लीज डोंट गो इन टू एनी बडीज कमेंट्स बॉक्सेस, बिकॉज क्या होता है जब हम ऐसी चीज बोलते हैं ना तो पीपल ये से मत करो, ये मिसइंटरप्रेट। से मत करो, हाँ तो इस चीज को मत मैं करो। ये, हाँ प्लीज डोंट गो इन टू एनी बडीज पर्सनल मैसेज बॉक्स, हाँ, प्लीज डोंट से एनीथिंग बैड टू एनी किसी बडी, ये मत बिकॉज करो। बिकॉज यार कोई अच्छा इंपॉर्टेंट सेंसिटिव मुद्दा होता है ना उसमें हाँ रिक्वेस्ट करो। मैं तो यार हाथ जोड़ के बोलता हूँ, ठीक हाँ है, और यही तरीका होना चाहिए। मेरा जो मेन इमोजी है मेरे चैनल पे, वो भी हाथ जोड़ के ही है, क्योंकि मुझे लगता है कि प्यार से बहुत